अभी जो जानकारी है आदित्य सिंह राजपूत लड़के का नाम है, वो 11वें फ्लोर पे रहते थे और वहाँ से बाथरूम में गिरने के बाद उनको वॉचमैन की मदद से और घर का कुक था उसकी मदद से उनको बेड पे लाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आने के बाद उनको हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बाकी सारी डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी कि क्या कैसे हुआ है। So we are investigating this matter and we'll let you know the updates that come forward. As I told you, we are investigating this matter, what has happened exactly. So we'll update you once we get necessary details. Thank you. Unconscious situation. टीवी के फेमस एक्टर आदित्य सिंह राजपूत के जाने के बाद से उनसे जुड़ी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि महज 25 साल के थे टीवी के फेमस एक्टर आदित्य सिंह राजपूत, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि मई में जहां पर उनका निधन हुआ है, तो वहीं अब आपको बता दें कि उनके निधन के कुछ महीने बाद ही उनका जन्मदिन आने वाला था। दरअसल आदित्य सिंह राजपूत का जो जन्म है वो 19 अगस्त 1990 को हुआ था, लेकिन 22 मई को उनकी जान चली गई। यहाँ पर जब उनकी इस निधन की दुखद खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर कहा गया कि आदित्य सिंह राजपूत का बाथरूम में फिसलने की वजह से निधन हो गया, ओवरडोज ड्रग्स की वजह से गई जान। अब यहाँ पर इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है और ऐसे में अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम आने के बाद ही यहां पर आगे की जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिर इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही खुलासा होगा कि आदित्य सिंह राजपूत की जान वाकई उनका पैर फिसलने की वजह से हुई थी, चोट लगने की वजह से हुई थी, या फिर उसके पीछे की वजह कुछ और थी, लेकिन उसे दिखाया इस तरीके से गया कि उनका पैर फिसल गया। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि आदित्य सिंह राजपूत, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे किरदार निभाए, टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का उनका सफर बहुत ही खास था, यहाँ तक कि उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम भी किया। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने स्प्लिट्स विला में भी काम किया, इश्क सुभान अल्लाह में, कवच में, महाशिवरात्रि में, ये है मोहब्बतें जैसे शोज में उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आदित्य सिंह राजपूत का जो पहला डेब्यू था वो फिल्म हेलमेट में था, जहां पर वो फिल्म हेलमेट में नजर आए थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आदित्य सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि बतौर एक मॉडल और कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। आपको बता दें कि वो स्प्लिट्स मिला, इश्क सुभान अल्लाह, कवच, महाशिवरात्रि और ये है मोहब्बतें जैसे डेली सोप में नजर आए थे। और ऐसे में उनको आपको बता दें कि उनके पिता का नाम लेट श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत है, उनकी माता का नाम कुसुम लता सिंह राजपूत है। अगर इनके एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर बीए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन एक्टिंग फ्रॉम जोन एक्टिंग स्टूडियो, यहाँ पर उन्होंने बीए ग्रेजुएशन की थी पॉलिटिकल साइंस से लखनऊ से, और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा कोर्स किया था। आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आदित्य सिंह राजपूत। आदित्य सिंह राजपूत जिनके जन्म के बाद ही उनसे जुड़े उनके परिवार काफी ज्यादा खुश था। आदित्य सिंह राजपूत की एक बहन भी है जो कि उनसे छोटी है। आदित्य सिंह राजपूत स्कूल में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, जहां पर वो अपने होमवर्क कंप्लीट करने के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे, जिसमें उन्हें काफी अच्छे अवार्ड्स भी मिलते थे। आदित्य सिंह राजपूत की एजुकेशन काफी अच्छी थी, उन्हें पॉलिटिकल की काफी अच्छी नॉलेज थी और साथ ही यहाँ पर उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन से ही वो एक्टिंग करना चाहते थे और फाइनली उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात करें उनके फिल्मी और अफेयर्स के बारे में, तो आदित्य सिंह राजपूत शादीशुदा नहीं है और उनकी
कोई भी ना तो गर्लफ्रेंड है और ना ही उनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप रहा है जिसकी खबर सोशल मीडिया पर मौजूद हो। आपको बता दें कि आदित्य सिंह राजपूत बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हैंडसम थे और यहाँ पर उनकी इसी खूबसूरती को देखते हुए हर कोई उनका काफी ज्यादा दीवाना था। आपको बताते चले कि आदित्य सिंह राजपूत जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आदित्य सिंह राजपूत जिन्होंने टेली अवार्ड से गोल्ड अवार्ड तक जीता था और साथ ही उन्हें 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था जी रिश्ते अवार्ड से। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने राइजिंग स्टार में भी काम किया था जहां पर उन्होंने काफी सालों तक इस काम को कंटिन्यू रखा था। इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आदित्य सिंह राजपूत को कुकिंग का काफी ज्यादा शौक था और उन्हें पेट से बहुत ज्यादा प्यार था। आपको बता दें कि आदित्य सिंह राजपूत जो कि एक भाई के एक बहन पैच, आपको बता दें कि आदित्य सिंह राजपूत जहां पर उनके भाई थे तो वहीं उनकी एक छोटी बहन भी थी, जहां पर उनकी बहन के साथ एक वीडियो उनके सामने आई है जहां पर वो अपनी बहन के साथ मजाक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आदित्य सिंह राजपूत के चले जाने के बाद उसकी माँ और उसकी बहन को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, उनके पोस्टमार्टम का इंतजार पुलिस को है ताकि वो आगे की तहकीकात पूरी कर सके। तो ये थी आदित्य सिंह राजपूत को लेकर वो खबर जिसके बारे में हमने खुलासा किया आप सबके सामने और आपको बताए इस पीछे की सच्चाई कि आखिर उनकी निजी जिंदगी कैसी थी, उनके परिवार में कौन कौन था, उनकी एजुकेशन कैसी थी, कब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, अपने करियर में उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल करी, कैसे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखा और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जी हाँ, यही है पूरी खबर आदित्य सिंह राजपूत को लेकर, जहां पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकलेगा उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्यवाही इस मामले पर करेगी, जिसके बाद पता चलेगा आदित्य सिंह राजपूत के हादसे के पीछे का सच कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज माँ के हाथ का खाना। हैप्पीनेस इज कडल्स आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे एट वर्क। Happiness is playing with your dog. Happiness is best time with the best friend, movies, drinks, coffee. But happiness is nowadays money also, very very important, correct? But more important, happiness is finding happiness in choti choti khushiyan, correct? For that you don't need a lot of money. But yes, money is important, but happiness is more important and inner peace is more important. Do you agree? Comment. अभी जो जानकारी है आदित्य सिंह राजपूत लड़के का नाम है, वो 11वें फ्लोर पे रहते थे और वहाँ से बाथरूम में गिरने के बाद उनको वॉचमैन की मदद से और घर का कुक था उसकी मदद से उनको बेड पे लाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आने के बाद उनको हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बाकी सारी डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी कि एग्जैक्टली क्या कैसे हुआ है। सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर and we'll let you know the updates by tomorrow. As I told you, we are investigating this matter, what has happened exactly, so we'll update you once we get necessary details. Thank you. Unconscious situation in the hospital.